स्वागत है दोस्तों। ये फाइकस स्वीरेनस है और बहुत ही छोटा सा सेपलिंग था दोस्तों, इतनी साइज का यानी 3 mm का लगभग होगा। और उसको मैंने लगभग 3-4 साल पहले इस रोग के साथ एडजस्ट किया था। और ये रोग भी सिंपल सा है, नदी का चिकना स्मूद रोग है, देख सकते हैं आप। और प्लास्टिक भी अब ये ख़राब हो चुका है। पिछले साल मैंने उसका रिपोर्टिंग भी किया था। ये रॉक भी अटैच नहीं है, ये हिल रहा है। मैंने रॉक पे भी वायरिंग लपेटा था वायर। तो ये सिंपल सा रॉक के साथ अटैच करके मैंने उसको प्लास्टिक के साथ रब कर दिया था। तो उसका मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पाया। ये दूसरी चीज़ है जो साथ में ग्रो हुई थी, उसको निकाल देता हूँ मैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। ये फिलेंथस का प्लांट था। तो यहाँ रिपोर्टिंग नहीं हुआ था, तो मैं टॉप सोइल थोड़ी चेंज करना चाहता हूँ। नज़र बहुत ही हवाएं चलने लगी है, शायद वायु की असर हो, यानी अब यहाँ तूफान आने वाला है गुजरात में। मगर यहाँ संभावना ना के बराबर है, मगर ज़्यादा हवाएं चलने लगी है। यहाँ मैं थोड़ी टॉप सोइल हटाऊँगा जितनी हो सके उतनी, और हम हमारा नया सोइल मिक्स दे देंगे। इस ये पिछले साल मैंने रिपोर्टिंग किया था और उसकी रूट भी बहुत अच्छे से एस्केप हो रही थी। देखिए ये रूट्स निकल आई है नीचे से, पोट के नीचे से ये सब रूट्स बाहर आई थी, तो अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है अब। तो और थोड़ी मिट्टी निकालूंगा मैं यहाँ, एक तरह से गुड़ाई कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछले साल थोड़ी बहुत मैंने सोइल इस्तेमाल की थी, तो ये थोड़ा जाम है। इस तरह की सोइल नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं पूरा एक साल सोइल पे ही काम किया है मैंने। और मैंने ये देखा कि अगर ब्रिक बाइट ज़्यादा है तो ग्रोथ अच्छा होता है मिट्टी, इसलिए मैंने इस बार स्किप ही कर दी। और चलिए सोइल मिक्स दे देता हूँ पहले, बाद में प्लांट के बारे में सोचते हैं। तो थोड़ी सोइल चेंज कर दी है, तो उसमें जो न्यूट्रिशन होगा वो प्लांट को मिलता रहेगा, क्योंकि प्लांट अब हेल्दी हो चुका है। और यहाँ वायर बाइट्स भी हुआ है, वायर भी निकाल दूंगा मैं। तो अगर प्लांट को हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसमें ग्रोथ अच्छा होने लगेगा। तो यहाँ थोड़ा जो स्टेम बची हुई उसको निकाल देता है, और पुराने पत्ते केवल मैं निकालने वाला हूँ, क्योंकि अब नया ग्रोथ शुरू हो चुका है। तो ट्रिमिंग या पिंचिंग नहीं, केवल उसको मैं वाइल्डली ग्रो होने देना चाहता हूँ। तो इस साल मेरा यही एक्सपेरिमेंट रहेगा कि प्लांट को वाइल्डली ग्रो करते हैं हम वाइल्डली, तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, कितना रैपिड ग्रोथ हो पाता है, वो ही देखना चाहता हूँ मैं। तो अब जो कुछ प्लांट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं उसमें केवल ग्रोथ होगा, और ग्रोथ हुआ भी है। अभी मॉनसून के आते आते यहाँ कितना ज़्यादा वायर बाइट हो चुका है देखिए। तो ये वायर मैंने रोक के साथ अटैच करने के लिए बांधा है, तो उसको निकाल के मैं फिर से बांधूंगा दूसरी जगह से, यानी वायर बाइट जहाँ हुआ है उसको छोड़ के। तो ये सब ऑब्जर्वेशन करने की बात है दोस्तों, प्लांट को ऑब्जर्व करते रहें।
कि जा वायर बाइट हो जाए तो नुकसान हो सकता है प्लांट में। संभाल के ये हमें यहाँ से निकलने नहीं देना है प्लांट को। तो पहले मैं यहाँ से बांध लेता हूँ प्लांट को, तो यहाँ से बांध लेना चाहता था मगर अब नहीं हो सकता क्योंकि दूसरा वायर नहीं है अभी, तो बाद में बांधता हूँ। पहले उसको निकाल ही देते हैं वायर को, और यही वायर से मैं बांध लूँगा प्लांट को रोप के साथ। बहुत ही ज़्यादा वायर बाइट हुआ है क्योंकि थोड़ा बेंडिंग किया था मैंने। क्या बेंडिंग करते हैं हम वायरिंग के बाद, वहाँ ज़्यादा वायर बाइट्स देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही छोटे से सैपलिंग के साथ शुरुआत की थी, अब ये अच्छे से यहाँ टेपरिंग होने लगा है। और यहाँ रिवर्स टेपर वाली बात हो तो भी चलेगा क्योंकि ये रोक के साथ है, टेपर यहाँ से दिखाया जाएगा, यहाँ से नहीं क्योंकि ये रोक के साथ है। तो चलिए मैं इस प्लांट को रोक के साथ अटैच कर देता हूँ। यहाँ एज ए सेफ्टी मैंने रोक रखा हुआ था इस रोक को सपोर्ट करने के लिए, वो फिर से रख दूंगा मैं। तो अच्छा से ग्रो हो रहा है प्लांट में, और इस ब्रांच को थोड़ा नीचे की ओर लेके मैं यहाँ टाई कर लूँगा जिससे कुछ मूवमेंट मिले। ये रॉक ओवर रॉक तो, रूट ओवर रॉक तो नहीं, मगर ये रॉक के साथ ज़रूर अटैच हुआ प्लांट बनेगा और बहुत ही अच्छा बनना चाहिए मेरे ख्याल से। और ये ब्रांच मुझे अनवांटेड लग रही है क्योंकि ये नीचे है, मगर ठीक है उसको भी रहने दूंगा मैं। यहाँ से कुछ वायरिंग करके नीचे की ओर उसको फैलाऊँगा, जो भी हो, अगर बाद में चली भी जाए तो ठीक है, अगर अभी के लिए मैं उसको रखता हूँ, उसको नीचे की ओर वायर कर लेता हूँ। जब ब्रांच है ही तो उसको कुछ कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत कम ब्रांचे हैं। इस ब्रांच को मैं वायरिंग करके नीचे ले आता तो प्लांट में एक कंपोजिशन सी बन जाएगी और ये रोक के साथ अटैच रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इस तरह के वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।